नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का CIET NCERT के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। पिछले सेशन में मैंने आपको थोड़ी सी एक झलक दी थी कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना बेहतर नहीं है, चलिए आज आपका हम ये भी समस्या दूर कर देते हैं और आज की कम्युनिकेशन स्किल इतनी बढ़िया हो जाएगी कि ज़िंदगी भर ये तालीम आपको याद रहेगी। क्योंकि आप जिससे मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ वो है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता आनंद, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन फ्रॉम लेडी एडविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू धर्मेंद्र। और ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो है होम इकोनॉमिक्स एंड फैमिली साइंसेस, कक्षा 11 के छात्रों के लिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 1800111 965। और दूसरा जो नंबर है वो है 1800112199। मेल भी कर सकते हैं ऑफकोर्स हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जो कि CIET.kishoremanch@gmail.com। और लाइव सेशन से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको NCERT के यूट्यूब चैनल की तरफ अपना रुख करना होगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ और कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया जा सकता है, इफेक्टिव किया जा सकता है, जानते हैं। मैम, ओवर टू यू। Thank you very much. So, how can we be effective communicators? हम सब के लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि हमारी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी जो लाइफ का 70% ऑफ द टाइम, जब जितना दम हम जाग रहे होते हैं, वो हमारा किसी न किसी तरीके की कम्युनिकेशन में बीतता है। चाहे उस समय हम सोच रहे हो या किसी से पूछ रहे हो जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत हो, चाहे घर में आप अपनी मम्मी से खाना मांग रहे हो या अपने पापा से या किसी और से कहीं बाहर जाने की परमिशन, इस तरीके की, और या आप स्कूल में अपनी टीचर के साथ हैं या आप अपनी कोचिंग क्लास में हैं। सो ऑल द टाइम वी नीड टू बी कम्युनिकेटिंग, एंड therefore, इफ वी कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर, इट कैन मेक लाइफ ईजी एंड सिंपल फॉर अस। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। व्हेन आई सेड वी स्पेंड अबाउट 70% ऑफ द टाइम, इट मीन्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज मच बियॉन्ड जस्ट टॉकिंग। सो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन। सो नेसेसरली इट इज नॉट दैट व्हेन यू स्पीक यू कम्युनिकेट, इट इज इवन व्हेन यू लिसन to a person actively you are communicating. Right. It is when you are giving a smile to a person, or when you are waving to a person, you are saying just a hello, or shaking your hand and saying hi. All these kind of gestures also are communicating. Mm-hmm. So being a good communicator, as I said, is half the battle won. And in this process we receive information as well as we send information. And an effective communicator can be dependent on the good use of 6 communication skills, which I'm going to talk about. Now, let us first understand that what are the various forms in which communication takes place. The first is non-verbal communication. That is when we don't speak, just with gestures. You see an aunt or a friend at a distance and you shake hand. You wave hand. So it's a non-verbal communication to acknowledge that you know a person. So it is non-verbal communication. You don't speak, but yet you have communicated that we know each other and I am happy to see you. So again, verbal communication is, for example, when you speak, the way what I am right now doing is verbal communication. And the third form is written communication, when you text a message to your friend, or when you write a letter to your school principal or to your teacher, or you are answering a question paper for your exam. All this is written communication. Then another form, these all kinds of communication, whether it is verbal or written, can take a formal or an informal form. Formal is when you are very structured. You have, for example, if you're writing an application, you're given a particular format that when you write, the date should come here. You have to address the person to whom you're writing in this manner. The body of the letter should contain this. Subject should contain this. It has a very formal structure. It is expected that you know that formal structure. And with the today's computer-based form, for example, when you are doing your work on Word and other things, you get to know that, you know, you've made a mistake, there's a spelling error and things of this kind. So for your formal communication, you have to be very
precise and check that you don't make any such errors. Informal communication is more of a communication with your friends and casual purposes. Here, for example, you may use, you know, abbreviations a lot, but when you do a formal communication, you don't use such abbreviations. But my point is that, ma'am, as you have explained all the kinds of the communication, but my point is why nonverbal communication is important as compared to the other? As verbal or nonverbal? I'm talking about the nonverbal, ma'am. Okay. Now, why nonverbal communication is important? Now, let me tell you. For example, you are talking to a teacher and what happens is she doesn't look at you and she responds. What kind of a feeling you have that am I not, you know, she's talked, I mean, you addressed her, she doesn't look at you, okay, tell me. So, you know, what happens is the message you go that she's not so much interested in you. Whereas when a teacher, when you call out for a teacher and she says, yes, child, she's looking at into your eyes. So what happens is you get a message that ma'am is concerned that what is it that I need her attention for? And therefore that nonverbal cue from that teacher tells you that she's paying attention, she's concerned, she has a warmth towards you. So nonverbal communication in our life becomes very important because without saying anything, we are expressing our feelings, emotions, our care. So nonverbal is a very important component of our communication behavior. Right, right. Yeah. So should I move ahead? Yes, ma'am, please. All right. So when we talk about interpersonal communication, it is communication between two or more people and more likely in a face-to-face situation or a small group or a large group. Now, for example, the situation right now we are in. Herein, I am with Dharmendra ji and with the, if it is going live, then I'm with large group of people. When I'm talking to large group of people, I have to be mindful that what I speak, that I am very sure about, I don't spend too many words to express my ideas. Right. So what happens in mass communication when you are news are read to you, there is, you know, a supported by a text which keeps running like a ticker. So it is, it reinforces those important pieces of information. Now, this is what I wanted to bring your attention to, that many a times our nonverbal communication is able to tell us the other person, what are we thinking about, even when we don't say. For example, your expression on your face can tell the other person you're feeling confused or you are scared about something. And when you smile and wave at a person who's leaving you, it means there is a wish to meet again. Your expression on your mother's face, on a teacher's face, tell you that she's very angry with you. So, you know, what happens is that our expressions are able to convey, and this is non-verbal part of our communication. Mm-hmm. Now, moving ahead, that when we talk, a smart communicator is a person who's able to integrate verbal and non-verbal components of the communication very well. As I said, non-verbal says the unsaid, and amongst the non-verbal, when Dharmendra asked me this example I gave you about the eye contact, the teacher has an eye contact with the child, doctor has an eye contact with the patient, a child has an eye contact with a grandmother, and that eye contact is able to convey warmth, love, affection. The other is facial expression. A smiling face is always welcome because that will elicit a positive response from the, that is why, you know, when you go and enter into a sales into a shop or a showroom and the salesperson comes and says hello ma'am or hello sir, what can I show you, and there's a smile on the face, what does it say? That, you know, they are happy to welcome you. And that, and for example, you enter into a government kind of a shop where nobody comes when you enter into a shop, or they don't ask you what can I show you, you feel they are not interested. And, you know, for example, on a stall, you go in a big exhibition, you move on to the next stall because you don't feel anybody has entertained you. So facial expression, personal attention makes a lot of difference to how a person is communicating. Right. Similarly, there is another component which is called as paralinguistics. Now, paralinguistics is, means when I use my language, I cannot be speaking in a monotone. That is, meri awaaz ek line par nahi chale. मुझे कभी आवाज को थोड़ा ऊंचा करना है, कभी नीचा लाना है, पॉज देने हैं, किसी चीज को रिपीट करना है, ये सारी चीज कही जाती है पैरालिंग्विस्टिक. पैरालिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के साथ में आने वाले पार्ट्स. सो दीज आर टोन, पिच, लाउडनेस ऑफ द वॉइस
एंड ये क्या करता है, ये हमारे लिसनर को हमारे साथ जोड़ कर रखता है. और अगला कंपोनेंट है जेस्चर्स. जेस्चर्स का मतलब होता है कि जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, मैं जब मैं क्लास में, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं हाथ हिलाती हूँ, मैं मेरे को किसी बच्चे से मैंने सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब दिया और मैं सिर हिलाती हूँ, तो ये मेरा हेड नॉट जो है बच्चे को बताता है कि मैम इज एक्सेप्टिंग दैट आंसर और आई से नो. So you know what, my head nod is able to express to the child that you are going in a right direction, not going in a right direction. I'm interested in what you are saying. So gestures again play a very important part. जब हम किसी से खुश होते हैं, हम ताली बजाते हैं, smile करते हैं, ये सारे हमारे gestures. अब मैं आती हूँ more of our जो written communication हो या जिस तरह की भी communication हो, उसमें 6 important skills जो हमारा साथ देती हैं. वो है थिंकिंग, मतलब हमारी सोचने की शक्ति. रीडिंग, हम कितना पढ़ते हैं. राइटिंग, हम लिखने की प्रैक्टिस करें. हम कितने ध्यान से सुनते हैं. और मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना चाहती हूँ दैट फॉर अ गुड कम्युनिकेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर एंड टू लेट द अदर पर्सन नो दैट यू आर लिसनिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ वन साइन ऑफ शोइंग योर केयर. मैनी टाइम्स अगर कोई पर्सन आपकी बात सुनने में हूँ हाँ ना करे, फोन में भी दूसरी तरफ से आपको लगता है वो इंटरेस्टेड भी है, उसको मेरी बात सुनाई भी दे रही है या नहीं. और आपस में पर्सनल कम्युनिकेशन में भी एक्टिव लिसनर होने का मतलब है कि आप कम्युनिकेटर के साथ पूरी तरह से एंगेज्ड हैं. आई थिंक एक प्रश्न के साथ इस पे मैं चाहता हूँ मैम कि इस पे आप आगे बढ़ें. प्रश्न वही है कि आप कैसे इसको व्याख्यात कर सकती हैं कि कहना तो बहुत अच्छा है कि हम कह रहे हैं, काफ़ी लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक्टिव लिसनर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो, पहले एक्टिव लिसनर के लिए तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो बोल रहा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सुन पाए काफ़ी देर तक. तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमको एक्टिव लिसनर कैसे होना चाहिए और हम क्या कुछ करें उसमें. एक्टिव लिसनर के 2 मायने हैं. एक एक्टिव लिसनर, जैसे मैं कुछ बात कह रही हूँ और आपने कुछ ज़रा से भी आपकी बॉडी की मूवमेंट है, आपने हाथ उठाया और मैंने अपने आप को रोका और पॉज किया और आपकी तरफ ध्यान दिया, तो ये हुआ कि मैं एज एन एक्टिव लिसनर हूँ वाइल कम्युनिकेटिंग, जब मैं बोल रही हूँ और आप मेरे सामने एक लिसनर हैं. और एज ए लिसनर, फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, कोचिंग क्लास हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, आपकी दादी या दादा ने आपको कुछ कहा और आपने उनकी तरफ मुड़कर देखा नहीं, आपने उनकी बात पर गौर नहीं किया, उनको क्या लगता है कि आपने उनको वार्म्थ केयर नहीं दिया, कि अगर आप उनके पास 2 मिनट बैठकर उनकी बात सुन लेते तो वो 2 मिनट ही उनके दिन के लिए, आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते. करेक्ट, करेक्ट. सो इज एन एक्ट. और अगर हम इसको फॉर्मल सीन में देखें, आप क्लास में हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, आपके हाथ में पेन है, आपने कुछ 2 मेन पॉइंट्स नोट कर लिए, आप एक एक्टिव लिसनर हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप क्लास के बाद जाएंगे और ये 2 अपने हाथ के लिखे हुए शब्द और टीचर की सुनी हुई बात अगर दिमाग में आ गई, आपका आधा लेसन हो गया. सो इसका मतलब क्या है, एक्टिव लिसनर के तरीके हैं. कुछ लोगों को नोट्स लेकर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ में आती है. पूरा ध्यान, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरा ध्यान उसकी तरफ देना जो बोल रहा है. और इससे हमारा जो कम्युनिकेशन गैप अक्कर होता है कम्युनिकेशन में, हम उसको साथ की साथ में सील करते चलते हैं और हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस लंबे समय तक चल सकती है. चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आई और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने उसको समझाया, लेकिन आज का ज़माना ये है कि सुनना नहीं है, खाली सुनाना है. जी बिल्कुल. और इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोगों के अंदर ये तमन्ना सुनाने की ज़्यादा और सुनने की कम, तो हमारी पेशेंस कम होती जा रही है. वी आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव एज अ सोसाइटी. और जिस एज ग्रुप में हमारे बच्चे अगर सुन रहे हैं आज हमारे को, तो इस एज ग्रुप के बच्चों को ये चीज़ जो लाइफ में डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन में ये डिसिप्लिन है, लिसनिंग में, जैसे हम कहते हैं बाकी डिसिप्लिन है टाइम पे पहुंचना, और लिसनिंग का डिसिप्लिन कम्युनिकेशन के बिहेवियर में, कि आपने दूसरे ने आपसे क्या कहा, चाहे वो आपके लैब प्रैक्टिकल का असिस्टेंट ही क्यों नहीं था, आपकी टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, असिस्टेंट को बोला इन बच्चे को प्रैक्टिकल करा दो, उनको लगता है अब तो असिस्टेंट आ गया, मैम गई, अब ओके. दैट यू नो दिस इज व्हाट यू नो स्मॉल लिटिल थिंग्स बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू व्हाट वी विल गेन आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन सिचुएशन. करेक्ट, आगे बिल्कुल. या सो नाउ द फर्स्ट थिंग एज यू आर थिंकिंग इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स.
हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि बोलने से पहले सोच लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उसमें अपने आइडियाज़ को अपने दिमाग में एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि मैं अपनी बात इस तरीके से सामने रखूँगा। और ये चीज़ मास कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल एक डायलॉग डिलीवरी है, एक एक्टर बोल रहे हैं, वो लोग तो बहुत ध्यान करते हैं, रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ को बार बार, उन्हें मालूम है वो कैसे उनके जो रिसीवर है उनको किस तरह से देख रहे हैं। बट हम अपनी नॉर्मल हर वक्त की बातचीत में भी हम अपनी बात कैसे रख रहे हैं सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन को देखते हुए, कभी कभी आप उस चीज़ को रिपीट करते हो, कभी आपको लगता है कि आपने एक ही चीज़ दो या तीन बार कह दी और सामने वाला बोर होने लगा, आप क्विकली स्किप करते हो। तो ये जो चीज़ है हमारी थिंकिंग से हमारे बाकी कम्युनिकेशन बिहेवियर जुड़ा हुआ है। तो फिर सोच में अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं यहीं पर रखना चाहूँगा, कितना महत्वपूर्ण है सोच के नज़रिए से एक कम्युनिकेशन को या कम्युनिकेटर को अच्छे से समझना कि एक कम्युनिकेटर कैसे अपनी बात को सोच समझ के सामने कन्वे कर सकता है और जो एक्टिव लिसनर है वो उस बात को उसी अंदाज में कैसे ग्रहण कर सकता है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, थिंकिंग जो आप बता रहे थे। हाँ जी, सोच का मतलब है जैसे बोलने से पहले की प्रक्रिया। समझिए कि आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए आ रही हूँ जी, मैंने अपने थॉट्स को आइडियाज को एक पर्टिकुलर लॉजिकल फ्लो में रखा कि पहले बात करने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन कितनी टाइप्स की है, right. फिर मैं 6 कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाऊंगी, फिर मैं ऐसी एग्जांपल पॉसिबली रख सकती हूँ, टाइम हुआ तो ये बात करूंगी, टाइम नहीं हुआ तो ये बात नहीं करूंगी। तो ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड है। आप पहले से सोचते हैं कि आपके पास कितना समय है, आपके सामने ऑडियंस कैसी है। अगर मैं यही बात मैं कॉलेज के बच्चों से करूँ, मैं अपने रिसर्च स्टूडेंट्स जो PhD और MSc कर रहे हैं उनके साथ में करूं, तो यही बात को पेश करने का मेरा तरीका बदल जाएगा। ये मेरी थिंकिंग है जिसने मुझे बताया कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उनको मेरे को कैसी एग्जांपल देनी होगी कि जिससे वो बात को अच्छे से समझ सके। चलिए, तो आगे इससे पहले कि आप बढ़ें, एक मैसेज के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। आज के जो जनरेशन के हम बच्चे देख रहे हैं, हालांकि सोच की जो आप बात कर रहे थे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि सोच का जो दायरा है कहीं ना कहीं वो भी खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि अपनी ही बात कहनी है सामने वाले की नहीं सुननी। क्या ये बिहेवियर उनके लिए सही है? नहीं, मेरे ख्याल से, पर जैसा आपने कहा कि आजकल के बच्चे सुनना कम बोलना ज़्यादा चाहेंगे, पर मैं कहूँ कि ये एक पर्सनल टेम्परामेंट हम ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी बात को कहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपनी बात दूसरे के सामने रख सकें, पर उससे पहले हमारे को दूसरे की और इस एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है। और ऐसा कहा गया है कि भगवान ने हमें 2 कान और 1 जीभ इसलिए दी ताकि हम ज़्यादा सुने, ज़्यादा सोचे समझे और कम बोले, व्यवस्थित बोले, सोच समझ कर बोले, सुनियोजित बोले। बहुत बेहतरीन मैम, इसीलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा रखा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ें। जी ज़रूर, चलिए अब उसके बाद आते हैं रीडिंग। और मेरे ख्याल से आज की प्रेजेंट जनरेशन के पास रीडिंग के लिए तो बहुत सामान है। सोशल मीडिया उनके अटेंशन को 24 घंटे ड्रॉ कर सकता है। न्यूज़ सुनते हैं सोशल मीडिया से, उनको सोशल चीज़ों के बारे में, अपनी ऑफिशियल पढ़ाई के बारे में भी पता लगता है, समाज में और चीज़ें क्या हो रही हैं, उनकी उम्र के बच्चे क्या क्या और काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके अलावा उनके पास अपने स्कूल का रीडिंग मटेरियल तो और किताबें तो है ही हैं। सो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं अलग अलग सोर्सेज से। ऐसे में हमारे को और ध्यान देना है कि जब हम कहते हैं कि अब ऐसी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है, तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है कि कौन सी चीज़ से हम अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करेंगे या नहीं। आजकल तो इस तरीके की ऐप आ गई है कि बच्चे अपने उस पर लगा देते हैं कि फेसबुक इतने टाइम तक खुलेगा ही नहीं, अगले 3 घंटे तक फेसबुक पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, और क्योंकि हमारे पास समय तो लिमिटेड है और बहुत कुछ है जानने के लिए। तो किस समय में उतने घंटों का इस्तेमाल हम क्या रेलेवेंट रीडिंग करें ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो। रीडिंग हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स हो सकती है, और जब हम एक अच्छा नॉवल, एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो वो हमारा लाइफ लॉन्ग टीचर भी होती है। करेक्ट, चलिए आगे चलें। यस मैम, प्लीज। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन यू राइट, फॉर एग्जांपल, व्हेन योर टेक्स्ट बुक्स आर रिटन,
the people who write that chapter are always thinking about कि बच्चे इस चीज को कैसे लेंगे. अगर क्या ये चीज कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है, इसके साथ एक विजुअल देने की जरूरत है, इसके साथ एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है. इसका मायने क्या है, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ योर राइटिंग बिकम्स लूसिड, इट इज अनएम्बिगुअस. एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल ऐसा ना हो जाए कि उसके दो या तीन मीनिंग निकलते हो, बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस का इस्तेमाल ना हो. आजकल जिस तरीके से बोलने की बच्चे भाषा जो हमारी हो गई है लोगों की, ऑसम अमेजिंग, तो वो हर जगह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे, वो वहाँ फिट होता है नहीं होता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी राइटिंग भी, और खासकर हमारी फॉर्मल राइटिंग जो है, हम किसी को अगर फॉर्मल कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसमें एब्रीविएशंस ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, क्योंकि राइटिंग जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. उसको हेडिंग्स सब हेडिंग्स में डिवाइड करें. आपके टीचर्स आपको एक एग्जांपल देते हैं कि बेटा आंसर लिखोगे आंसर शीट में, तो पहली जो हेडलाइन है उसको बड़े में लिखना, उसको अंडरलाइन कर देना, पॉइंट्स को बुलेट लगाना. ऑल दिस इज इट मेक्स योर एक्सप्रेशन मोर क्लियर एंड इम्प्रूव्स you know the person who's going to read it is going to read it more comprehensive. So that is what makes you a good writer, a good communicator. Now we move on to listening, though we have discussed it a little in detail already, so I will not spend too much of time. But listening, it has two major steps. One is hearing. Hearing ka matlab bhi hota hai, agar hindi mein kahe to bhai sunna, aur fir uske baad hum kahe listening ka matlab bhi sunna. पर क्या है कि दिन में फॉर एग्जाम्पल आप मेट्रो में चल रहे थे, बस में चल रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपस में बातें करें, आपको आवाज़ आती है, हियर वो सुनना है. पर जब आपका फ्रेंड आपके साथ फोन पर बात कर रहा है, दैट इज लिसनिंग. जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सुनने में, जवाब देने में, दैट इज ट्रू लिसनिंग. बाकी जो हमारे कानों पर इतने सारे मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब हियरिंग है. और लिसनिंग है जिसके साथ आप इन्वॉल्व, ठीक है. और लिसनिंग में एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एम्पथी का मतलब होता है जब हम अपने आप को दूसरे के में के मन में ढाल कर देख सकते हैं कि इस समय उसको कैसा महसूस हो रहा होगा. और कभी कभी यही एक बिहेवियर जो हमारे अंदर एक इननेट एबिलिटी टू एम्पथाइज एंड सिंपथाइज होती है, और दोनों अलग अलग हैं. सिंपथी वो है जब हम किसी को कहते हैं बेचारा, उसको मदद की जरूरत. पर हर वक्त लोगों को बेचारा और मदद की जरूरत नहीं होती, उन्हें एम्पथी की जरूरत होती है कि आप उनके जैसा महसूस करें उस समय. और एम्पथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच एड्स टू योर एबिलिटी टू लिसन एक्टिव. शुड वी मूव अहेड? यस बिल्कुल, अभी भी थोड़ा सा समय हमारे पास है, उसके बाद में भी एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू आपके सामने रखूंगा, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें. सो द नेक्स्ट स्किल इज स्पीकिंग, एंड एज आई सेड अर्लियर दैट स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप राइट पॉजेस दें, राइट जगह पे रुकें, दूसरों की कहीं पर अगर आपको लगता है कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो रुक कर उसको सुने. और जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग है और ग्रुप स्पीकिंग, दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. कोई भी एक अच्छा लीडर हो उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं. वो बहुत अच्छे से, उनको मालूम है कि अपने लोगों के बीच में वो किस तरीके से एक उत्साह भर सकते हैं, एक युवा पीढ़ी को उन्होंने किस तरीके से मन की बात. तो ये सारी क्या है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं. तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक स्कूल प्रिंसिपल हो, चाहे वो हमारे कोई पॉलिटिकल लीडर्स हों, ऐसे लोगों के अंदर अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं सो लोग उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, बिकॉज वो लोगों के अंदर अपनी पर्सनालिटी का एक कॉन्फिडेंस भेजते हैं कि हाँ, दैट यू आर बिहाइंड अ पर्सन हु इज देयर अहेड ऑफ यू विल होल्ड यू. सो हमारी स्पीकिंग स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करें. करेक्ट. और इसके अंदर हम कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का चुनाव करते हैं, और किस किस तरीके से अपनी बात सामने रखते हैं. सो लैंग्वेज एंड ओरेटरी आर टू इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल्स. सो और स्पीकिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आज का तरीका आ गया है, हमारे बच्चे भी स्कूल में टीचर जो प्रेजेंटेशन देती हैं, असाइनमेंट देती हैं, उनको एक PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं बच्चे, उसके अंदर अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा जिनको हम बोलते हैं 5 W's and 1 H. हु मतलब मैं किसके लिए ये बात कहना है मेरे को, उनका उम्र क्या है, उनका लिंग क्या है,
वो देश के किस हिस्से से आते हैं, व्हाट क्या कहना है, और उसके बाद हाउ, किन शब्दों का चुनाव करूं। अगर समझिए मेरे सामने वाले जो लोग हैं वो लोगों का पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को ड्राइंग करके उनको बताना पड़ता है। मैं ही काफ़ी बारी गांव में जाकर काम करती हूँ, तो वहाँ पर मैं अगर लोगों को लंबा लेक्चर नहीं दे सकती हूँ, उनके सामने मुझे उदाहरण देकर बात करनी होती है, तो हाउ। फिर है वेन, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने वाला आदमी बहुत दुखी लग रहा है, परेशान है, अभी अभी रो के हटा है, या बहुत खुश है, टीम है, जीत कर आई है, बच्चे क्लास में आए, क्लास के बाहर अनाउंस हुए रिजल्ट, स्पोर्ट्स के किसी टूर्नामेंट का रिजल्ट आया, हॉकी की टीम के बच्चे जीत के आए, आपके सेक्शन में 3 बच्चे हैं, बहुत खुश हैं, और आप कह रहे हो पे अटेंशन आई एम टॉकिंग, नहीं सुनेंगे आपको। पहले उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा दैट वेरी गुड, एंड फिर उसके बाद ओके नाउ लेट अस कम बैक बिकॉज द होल क्लास इज वेटिंग फॉर अस टू मूव ऑन। सो दिस इज हाउ यू नो देयर इज टाइम टू पॉज, देयर इज टाइम टू मूव। Then is keep the physical context in mind. Many a times अगर हमारे को ये देखना है कि उस जहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, अगर मैं अपने ग्रुप में लोगों को उनको कुछ चल कर कहने वाली हूँ, या काफ़ी बारी क्या होता है कि अगर हम एक गोल सर्कल में अपना सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, तो मैसेज क्या जाता है दैट ऑल पीपल हु आर इन दिस ग्रुप आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट वेन आई कीप चेयर ऑन दी वन साइड and all the seats on the other, it means one person is the sender and all others are receivers. So it sends a message of authority. So depends upon, jab hamari party hoti hai to hum horizontal seating arrangement karte hain, jab hamari class hoti hai to hum kis tarike ka seating hai. So ye cheeze bhi hamari communication skills hame dhyan dena hai. Jab hamare ghar mein party hoti hai to hum sochte hain एक्सपेक्टेड कितने गेस्ट हैं, किनको कहाँ बिठाएंगे, कौन पॉसिबली कहाँ बैठ सकता है, तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। उसके बाद है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक कि किस तरीके से ऐसे लोग जो सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, शुरू से ही आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, कैसे आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। आगे चलते हैं, मैं अगला स्टेप पे जा रही हूँ कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं और एक कम्युनिकेटर के सामने इस तरीके की कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, इनको हम कहते हैं बैरियर्स। एक तो है फिजिकल बैरियर, बहुत बरसात हो रही है, आंधी चल रही है, लाइट नहीं है, तो ये हो गए एक तरह के फिजिकल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा आपका दिमाग कहीं प्री ऑक्यूपाइड है और उसके बाद आपको टीचर पढ़ा रही है, आप सिर हिला रहे हैं पर एक्चुअली सुन कुछ नहीं रहे, तो वो क्या है, परसेप्चुअल बैरियर है कि जब आपका दिमाग कहीं और है, आप सिर्फ फिजिकली वहाँ बैठे हैं। फिर है इमोशनल बैरियर, जैसे मैंने कहा कि आप दुखी हो, बहुत खुश हो, तो ये हमारे इमोशनल बैरियर बनता है, हमारी सोच को कहीं ना कहीं थोड़ा हिला देता है। फिर है कल्चरल बैरियर, और हम इसको हम कहते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है एथनोसेंट्रिसिज्म, जिसमें हम सोचते हैं हमारे कल्चर हम सबसे अच्छे हैं, हम हिंदुस्तानी हम सबसे अच्छे हैं, अमेरिकन सोचते हैं हम सबसे अच्छे हैं, पर ये कल्चर और आजकल का ज़माना जहाँ सब लोग एक, अगर ऑफिस में आप काम करेंगे आपकी टीम में अमेरिकन भी होगा, ब्रिटिश भी होगा, आप भी होंगे, तो किसी को भी अपने कल्चर को सुपीरियर मानना और दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर मानना वो गलत है। वो इसी तरीके से विद इन कंट्री भी हो सकता है कि मैं हिमाचल का हूँ और मैं उत्तरांचल का हूँ, या मैं साउथ से हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। ये कल्चरल बैरियर्स कम्युनिकेटर को सबसे पहले अवॉइड करते हैं। मैम, वी हैव ओनली लास्ट 2 मिनट्स नाउ। ओके, ऑल राइट। सो दूसरी बात है कि लैंग्वेज बैरियर्स, जिसमें कि होता है कि भाषा, जब आप एक दूसरे की भाषा को सुन नहीं समझ सकते, तो फिर ऐसे में हमारे को जेस्चर्स का सहारा लेना। ठीक है, आप धर्मेंद्र जी बताइए, अब आपका कुछ सवाल है अंतिम। यस यस, जैसे 2 मिनट हमारे पास है, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण इसको प्रश्न नहीं कहेंगे कि इशू के सहारे, देखते हैं कि इस पे क्या आपकी राय बनती है। सोशल मीडिया, हम सभी जानते हैं कि आजकल जरिया जो भी है, एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का, कुर्सियाँ हिल जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। सोशल मीडिया कितनी उपयोगी है रूरल एरियाज में, कितना महत्व है उनका, आजकल तो खैर काफ़ी उपयोग हो रहा है। हाँ जी, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि यू नो इस ये डिबेट हमेशा रहती है कि हम इतना डिजिटाइज होते जा रहे हैं, क्या हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, रूरल एरियाज हैं, क्या उनको सोशल मीडिया से कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए इसकी अपनी एक बहुत तरीके की रेलेवेंस है। क्योंकि आज अगर हम मानसून की बात कर रहे हैं, बाढ़ आई है देश के बाकी हिस्सों में, आपके तक वो खबरें कैसे पहुंच रही हैं, या आपके मन में ये जज्बा उठता है कि मैं डोनेशन दूँ,
या मैं वॉलंटियर करूँ उस हेल्प के लिए, उस सोशल मीडिया वो पिक्चर आपके सामने लेकर आता है और आप सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्या है, एक वर्चुअल तरह के ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बट जैसे कहते हैं कि हर चीज़ का ओवर यूज कैन बी बैड, मॉडरेटेड यूज एंड थिंकिंग ऑफ व्हाट इज मोर यूजफुल एट व्हाट टाइम इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अभी भी हमारे पास आधा मिनट बचा हुआ है, आई वॉन्ट यू टू फिनिश इट इन अ वेरी क्विक नोट। और वो चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं कम्युनिकेशन के संबंध में बात करूँ, उनकी उपयोगिता क्या अभी भी विद्यमान है या फिर वो अपना कहीं ना कहीं असर खोते चले जा रहे हैं तात्कालिक प्रासंगिकता के मद्देनज़र? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स थे, जिस तरीके से आज के ज़माने में मैं कहूँगी ट्रेडिशनल टूल टीवी, क्योंकि जिस टाइम हम पैदा बच्चे थे तो हमारे लिए टीवी एक मॉडर्न मीडिया था, बट आज के बच्चों के लिए टीवी एक ट्रेडिशनल मीडियम हो गया। पर अगर आप सोचें आज भी टीवी एक ऐसा माध्यम है जो कि गांव तक हर खबर को पहुंचाता है, विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, और उसके अलावा जो वहाँ के नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, लावणी, उन लोगों उसमें जितना दम है लोगों तक, उनके दिल से दिमाग तक पहुंचने का, तो दिल को टच करने का जरिया है ट्रेडिशनल मीडियम, और दिल से फिर वो दिमाग तक असर करता है और हमारे बिहेवियर को बदलता है। मतलब चलिए अभी भी उनकी उपयोगिता वैसी ही बनी हुई है और उसका असर कहीं से भी खत्म नहीं हुआ है। दिमाग की बातें जो छागी तो छागी, पर उसका असर हम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। जितने भी लोग हमें देख रहे थे, सुन रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़े, और पर्सनली मैंने बहुत इन्जॉय किया कि कैसे कम्युनिकेशन को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एज एन एंकर मुझे तो खैर इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी, एक दो खामियाँ थी, शायद अब वो बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए आप बने रहिए किशोर मंच के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।